नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी ने कई मोर्चों के जिला अध्यक्षों की घोषणा करी है और आज उनको बधाई देने के लिए आज यहां पर ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष के आवास पर शेरपुर पहुंचे हैं नगर विधायक प्रदीप बत्रा। आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, हमारे पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश गिरी जी का, जिलाध्यक्ष जी का और मुख्य रूप से हमारे नगर विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे ऊपर ये विश्वास व्यक्त किया और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके इस भरोसे पे मैं खरा उतरूँ और पार्टी को, ओबीसी मोर्चे को और आगे ऊपर तक ले जाने का काम करूँ। और आने वाले समय में 2024 जो हमारा मिशन की शुरुआत हो चुकी है उसमें हम अपने हरिद्वार जिले से अपने सांसद को भारी मतों से जिताकर लोकसभा में भेजें। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ओबीसी समाज से जिला मतलब राज्यसभा सांसद भी चुनी गई है और अब यहाँ पर चुनाव ये लोकसभा चुनाव का ओबीसी समाज काफी नाराज नजर आता है भारतीय जनता पार्टी से, उसको लेकर कैसे बुझे हुए नगर पंचायत चुनाव भी और लोकसभा चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ओबीसी समाज का को ऊपर पहुँचाने का, आप देखिए आपने केंद्र में भी हमारे कई मंत्री ओबीसी समाज से है और राज्यसभा सांसद अपनी डॉक्टर कल्पना सैनी जी को उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान हमारे समाज को दिया राज्यसभा में भेजकर, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ओबीसी समाज का सम्मान किया है और करती रहेगी, मुझे इसमें पूरा विश्वास है। आने वाले जो नगर निगम चुनाव 2024 में क्या आपका समाज के लिए टिकट की मांग करेगा? देखिए, ये सब आरक्षण पे आधारित रहेगा। अगर ओबीसी सीट आती है तो निश्चित रूप से कि ओबीसी समाज से जो भी पार्टी जिसको भी चुनेगी हमें उसके लिए काम करना है, तन मन धन से हम उसे जिताने के रूप में काम करेंगे। बहुत अच्छा निर्णय पार्टी का, संगठन का रहा। आज सभी मोर्चों के जिलाध्यक्षों की घोषणा करी गई जिसमें हमारे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अनु सैनी जी को ओबीसी मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पार्टी के ये निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, पूरी मेहनत करते हैं पार्टी के लिए और कई दिन से पार्टी के लिए जान लड़ा रहे थे, तो पार्टी का निर्णय मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहा और इससे पार्टी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और पार्टी आने वाले समय में जो भी चुनाव आएगा, चाहे वो निगम का हो चाहे वो सांसद का चुनाव हो, उसमें पार्टी भारी परचम लहराएगी और इससे पार्टी को बहुत बल मिलेगा और सैनी समाज के अलावा और भी सभी वर्गों का मैं समझता हूँ कि पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, पार्टी में गुटबाजी कहीं नहीं है, हमारे सभी मोर्चों में बहुत अच्छा निर्णय ले गया है और युवाओं को मौका दिया गया है। हमारे बीच हमारे दिलेश पाल जी भी आ गए हैं, इनको एससी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है और प्रतिभा चौहान जी को महिला मोर्चे का और गौरव कौशिक को जो है युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। सभी टीम मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत अच्छी बनाई है और सभी कार्यकर्ताओं को मौका दिया है काम करने का और एक नई टीम बनाई है काम करने के लिए। मैं इसके लिए पार्टी संगठन का धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि पार्टी ने बहुत अच्छे निर्णय लिए। देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं और हमारे मुख्यमंत्री जो है वो सेवक हैं, प्रधान सेवक, और हम भी सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, तो पार्टी का निर्णय जैसा होगा वो सबको मान्य है। तो हम लोग सेवा कर रहे हैं, जो मौका पार्टी ने दिया, टिकट दिया, हम लोग विधायक बने, तो इसके लिए पार्टी का धन्यवाद करते हैं और पार्टी का जो निर्णय होगा उस पर सभी लोग नतमस्तक रहेंगे और मैं समझता हूँ कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, जो हमें जिम्मेदारी मिली उसको निभा रहे हैं। 2024 के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है? पूरी तरह तैयार है और दिल्ली से जो है माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, 365 दिन बचे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का योद्धा जो है हर टाइम युद्ध के लिए तैयार रहता है और जो योद्धा होता है वो कभी चैन से नहीं बैठता और युद्ध का अभ्यास हमेशा करता रहता है। तैयारी करनी है, पार्टी का जो टिकट मिलेगा उसके लिए उसको चुनाव लड़ाएंगे। मैं तो विधायक ही हूँ और अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो निश्चित रूप से मैं भी चुनाव लड़ूंगा, जिस तो पार्टी अगर जिसको उचित समझेगी उसको टिकट देगी पार्टी। कि जो मुझे जिम्मेदारी है दी है, जो दायित्व दिया है, मैं उसका अच्छे से निर्वाह करूँगा और मैं अपने विधायक जी का, इन सभी का अपने धन्यवाद पर भी पार्टी का झंडा बुलंद रहेगा।